Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe to my channel. Hit the notification bell for further updates of new videos. Like, comment and share. आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दुर्गा पूजा की भोग वाली थाली. ये completely बंगाली स्टाइल थाली है और इसमें गार्लिक, ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, मसूर की दाल कुछ भी नहीं है. तो पहले है खिचड़ी और लाबड़ा तौरकड़ी जो मिक्स वेज होते हैं बंगाली स्टाइल. और फ्राइज है, पांच टाइप का फ्राइज है. उसमें साग है, मूंगफली है, पीनट्स, नारियल है, आलू है और पापड़ है. और है चटनी एंड खीर. तो खीर और चटनी आप पहले बना लीजिएगा क्योंकि ये ठंडा सर्व किया जाता है और बाकी सब चीज़ बाद में. तो चलिए पहले खीर बना लेते हैं. खीर के लिए मैंने चावल लिया 50 ग्राम्स और इलायची 5 और काजू किशमिश और दूध लिया 1 लीटर. इसको दो पार्ट में भाग कर लिया. ये बड़ा वाला वेसल लीजिएगा, बड़ा वाला पैन. उसमें मैंने 750 मिलीलीटर दूध लिया और प्रेशर कुकर पे जाएगा 250 मिलीलीटर दूध. देखिए मैंने एक कप यानी 250 मिलीलीटर दूध प्रेशर कुकर पे डाल दिया और चावल भी डाल दिया. इसमें मैंने 50 ग्राम्स चावल लिया. इसको एक विसल, एक सीटी मीडियम फ्लेम पे रख के देना पड़ेगा. मैंने लिया गोविंद भोग चाल, आप काली जीरा चाल और आपका पसंद का कोई भी राइस ले सकते हैं. तो पहले 20 मिनट्स हाई हीट में ये 750 मिलीलीटर दूध को जलाना पड़ेगा. कंटिन्यूसली आपका स्पैटुला हिलाते रहिए. आफ्टर 20 मिनट्स हाई फ्लेम में बनाने के बाद, कुकिंग करने के बाद, आपने देखा वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो गया. अब हिलिएगा मत, ऐसे खीर बनाने में 2-3 घंटा लग जाता है. ये आधा घंटा का यानी 30 मिनट्स का खीर है. ट्रेडिशनल ऑथेंटिक बना था बंगाली स्टाइल का. और इसके ऊपर पे जो लेयर जमता है, जो इसको मलाई या बंगाली में शॉर्ट बोलते हैं, वो नहीं जमेगा क्योंकि इसका फैट और क्रीम पूरा दूध के अंदर ही रहेगा. होल मिल्क लीजिएगा, फुल क्रीम वाली जो दूध होता है वो मैंने लिया. उस पर खीर अच्छा बनता है, उसमें ही बनाइएगा. ऑथेंटिक खीर उसमें ही बनता है. और इसमें खोया, कॉन्डेंस मिल्क, घी कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ चीनी से ही काम चलेगा. मैंने कॉन्टीन्यूसली 20 मिनट्स हिलाया हाई फ्लेम पे और फिर मैंने चावल और दूध डाल दिया जो मैंने एक विसल देके मीडियम फ्लेम पे बॉयल किया था प्रेशर कुकर पे. विश्वास कीजिए इसमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा आता है, नहीं तो खीर बनाने में कहीं लिक्विड हो जाता है मिल्क और चावल बॉयल नहीं होता है. और एक टिप्स है, चीनी एकदम लास्ट पे दीजिएगा, नहीं तो पानी पानी हो जाता है. फिर मीडियम फ्लेम में मैंने 10 मिनट पका रही हूँ ये चावल और दूध को. चावल ऑलरेडी बॉयल्ड है प्रेशर कुकर पे एक विसल देके और दूध भी रिड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया मिल्क. तो इसका कंसिस्टेंसी पूरा ऑथेंटिक रहेगा. तो आफ्टर 20 मिनट्स मैं मुझे 10 मिनट्स पकाना है. उसके बीच मैंने ये 5 क्रश्ड वो छोटी इलायची जो होते हैं ग्रीन कार्डमम वो मैंने डाल दिया. अभी डालूंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर रहेगा. और फिर मैंने 150 ग्राम चीनी डाल दिया. सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूंगी, सारे जो 4-5 मैंने रेसिपीज बनाया सब लिख दूंगी. अभी 2 टेबलस्पून किशमिश और 2 टेबलस्पून काजू मैंने डाल दिया. बिलीव कीजिए ये दुर्गा पूजा वाली खीर है, सारा साल आप बना सकते हो. और देखिए ऐसे मैंने कंटिन्यूसली हिलाया चम्मच को तो जला नहीं और खीर बन के तैयार हो गया. तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी देख. अभी मैं बनाऊंगी टोमेटो चटनी. इसके लिए पहले ऑयल गरम करना होगा, फिर उसमें तड़का के लिए 1 ड्राई रेड चिली और सरसों का सीड, जैसे काले सरसों, वो डाल दूंगी. और ये जो इंडियन 5 स्पाइसेस या 5 फूरन होता है उसको 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव पे ड्राई रोस्ट करके या तवा पे ड्राई रोस्ट करके आप ग्राइंड करके पाउडर बना के रख दीजिएगा.
ये थोड़ा मीठी मीठी चटनी होता है, बहुत अच्छा जाता है सब्जी और खिचड़ी के साथ। आप अभी इसको 4-5 मिनट फ्राई कर लिया मीडियम फ्लेम पे, फिर मैं टोमेटो डाल दूंगी। टोमेटो डाल के थोड़ा मैश करना होगा स्पैटुला के हेल्प से। इस पे आप खजूर डाल सकते हो, टैमरिंड का पल्प डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला। अभी डाल दिया मैंने जिंजर पेस्ट, अदरक पेस्ट बहुत अच्छा जाता है इसके साथ। और आप आम अदरक जो होता है ना, गलंगल बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो। मैंने प्लेन अदरक पेस्ट डाला, मैंने सब कुछ ऑथेंटिक रखने का कोशिश किया, ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल। ये मेरी दादी नानी का रेसिपीज है, तो मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी। अभी डाल दिया गरम पानी, अभी इसको उबालना पड़ेगा हाई हीट पे 10 मिनट्स, और ढक्कन देके उबालना। फिर ड्राई रोस्टेड 5 फोरन पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर मैंने डाल दिया। अब गुड़ भी डाल सकते हो अगर आप गुड़ खाते हो तो। फिर इसको और थोड़ा पकाना पड़ेगा अच्छा करके, मिक्स करके, और अंत में और थोड़ा 5 फोरन पाउडर डालना पड़ेगा। अब काजू किशमिश भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने इसको सिंपल रखा। ये भी बहुत यम्मी होता है इस प्लेटर के साथ। अभी आम पापड़ डाल दिया, अब थोड़ा ज़्यादा करके डालना, मेरे पास कम था तो मैंने कम ही डाला। और चटनी ठंडा जब हो जाए तब भी थोड़ा आप मिक्स कर देना आम पापड़, तो जो मुँह पर आता है बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इसको ढक दूंगी, बस हो गया मेरी टोमेटो की चटनी। अभी बनाने जा रही हूँ लाबड़ा तरकारी। ये मिक्स वेज है, नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी। इसका भी सारे इंग्रेडिएंट्स और मसाले का जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या सब्जी लिया, क्या क्या मसाला लिया। तो इसके लिए मस्टर्ड ऑयल और घी बहुत अच्छा है। पैन पे मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया, इस पे मैं तड़का डाल के, जैसे पहले इलायची और फिर 5 फोरन जीरा, दालचीनी और तेजपत्ता डाल लिया, और डाल के मैं 2-3 मिनट फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। 2-3 मिनट बाद मैं कुछ सब्जी डालूँगी इसमें, और कुछ सब्जी मैं बॉयल करने के लिए बिठाऊँगी। तो मैंने डाल दिया पत्ता गोभी, परवल, पम्पकिन जो कद्दू बोलते हैं वो स्वीट पम्पकिन, और बैंगन, और स्वीट पोटैटो जो मीठी आलू होते हैं वो मैंने डाल दिया। इसको डाल के मैं मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट पकाऊंगी बहुत अच्छा करके। इस पे पानी बहुत ही कम जाता है, ये सब्जी थोड़ा सूखी सूखी होते हैं, ऐसे लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा, राइस और दाल के साथ, रोटी के साथ, पूरी पराठा सबके साथ, और कोई उपवास के दिन हो तो बहुत ही अच्छा होता है, ये पूरा सात्विक आहार है। अभी मैंने घी डाल दिया, थोड़ा सा घी डाला, पूरा नहीं। इस पे हम बंगालीस चीनी भी देते हैं, आपको ना पसंद तो शुगर मत दीजिएगा। ये खिचड़ी के साथ हम खाते हैं, लाबड़ा तरकारी बोलते हैं, तरकारी यानी मिक्स वेज। अभी मैंने नमक डाल दिया इसमें, तो नमक डालने से ये थोड़ा नरम हो जाएगा सब्जी। और मैंने धनिया का पाउडर पानी में मिला के डाल दिया। धनिया का पाउडर मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कुकिंग में, ज़ीरा पाउडर यूज़ नहीं करती। अभी मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छा करके। अभी ग्रेटेड जिंजर दे दिया, आप जिंजर पेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप तेल और घी मिला के इस सब्जी को बनाए तो बहुत डिवाइन टेस्ट आता है। तो मैंने बाद में, मुझे घी देना है, मैंने सरसों के तेल पे बनाया, और ढक के 10 मिनट पकाऊंगी, और ये सारा सब्जी मैं बॉयल कर लूँगी। मैंने बॉयल किया था मूली और जो लॉन्ग ग्रीन बीन होते हैं, इसको बंगाली में बोरबोटी बोलते हैं, वो मैंने बॉयल कर लिया। अभी दे दूंगी गरम मसाला पाउडर। अभी
बहुत अच्छा करके मिक्स कर लूँगी। थोड़ा वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, सब्जी थोड़ा कम हो गया। अभी इसमें बॉयल्ड वेजिटेबल्स दे दूँगी, मूली और ये ग्रीन लॉन्ग बीन जिसको बॉरबोटी बोलते हैं वो मैं दे दूँगी। मूली का पानी ऐसे बॉयल करके फेंक के फिर मूली आप ऐड करो सब्जी में, तो गैस नहीं होता है बोलते हैं, पेट गर्म नहीं होता है। इस पे हम लोग फूल गोभी बिल्कुल नहीं देते हैं, और पोई की लीव जो पुई शाग बोलते हैं वो भी नहीं देते हैं। किसी किसी जगह पे दिखाते हैं कि बोलते हैं पोई की लीव के साथ सब्जी मिला के उसको लाबड़ा तौरकड़ी बोलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ट्रेडिशनल लाबड़ा यही होते हैं। अभी मैंने दे दिया भाजा मसाला और चीनी, इंडियन भाजा मसाला जो होते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। मेरे चैनल पे ये भाजा मसाले का रेसिपी है, ये बहुत ही अच्छा होते हैं अगर आप सब्जी पे दो, खाने में बहुत अच्छे होते हैं और ये सब्जी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। हर जगह पे मठ मंदिर पे, बंगाली जो मठ मंदिर होते हैं उधर ये लाबड़ा तौरकड़ी तो ज़रूर होते हैं खिचड़ी के साथ। ऐड कर दिया सम हॉट बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ढक के लो फ्लेम पे 20 मिनट्स इसको पकाना है, तो 20 मिनट्स बाद इस ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हो गया हमारा लाबड़ा तौरकड़ी। 20 मिनट के बाद अब घी डाल के 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रख के ढक के फिर 5 मिनट बाद आप सर्व कर दीजिएगा। ये बहुत औसम होते हैं खाने में। अभी मैं बनाऊंगी खिचड़ी, तो इसके लिए चावल लिया, दाल लिया और सब्जी में मैंने लिया हरे मटर और आलू, आप फूल गोभी भी डाल सकते हो, और मसाला घी सरसों की तेल टोमेटो और तड़का के लिए सारे कुछ ले लिया। ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। तो अभी मूंग दाल और चावल मैंने इक्वल अमाउंट पे लिया, जैसे 1 कप मूंग दाल और 1 कप चावल, लाइक 250 ग्राम्स मूंग दाल और 250 ग्राम्स चावल। इधर मैंने गोविंदभोग चावल लिया, आप काली जीरा चावल भी ले सकते हो। तो मूंग दाल को मैंने 5 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया लो फ्लेम पे, फिर वॉश करके रख दिया। चावल को भिगो लिए थे, अभी सरसों की तेल गरम करके मैंने उसमें डाल दिया जीरा, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली, बे लीव्स और छोटा छोटा ग्रीन कार्डमम जो हरी इलायची है। अभी मैं डाल दूंगी आलू इस पे, हल्दी बहुत कम जाएगा, ये थोड़ा फीका फीका देखने में होता है पर बहुत ही टेस्टी होता है। अभी टोमेटो डाल दिया मैंने, अभी मैं डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं अच्छे करके मिक्स कर लूंगी। ये दुर्गा पूजा का भोग, खिचड़ी भोग और लक्ष्मी पूजा, सरस्वती माता की पूजा, काली पूजा, हर पूजा पे ये जाते हैं। अभी सॉल्ट डाल दिया और अभी वॉश करके वो मूंग दाल मैंने डाल दिया। इनसेट पे आप देख सकते हो मैंने अभी चावल भी डाल दिया मूंग दाल के ऊपर। ये काली जीरा और गोविंद भोग जो शॉर्ट ग्रेन बहुत फ्लेवरफुल राइस होते हैं उसको भिगो के वॉश करके मैंने 30 मिनट्स भिगो के रखा, फिर वॉश करके डाल दिया। अभी सब कुछ एक साथ मिक्स कर लिया। अभी ग्रेटेड जिंजर डाल दिया, ग्रेटेड जिंजर के बाद मैं और फिर मिक्स कर लूँगी अच्छा करके, लाइक 2-3 मिनट मिक्स कर लूँगी। और हमेशा खिचड़ी में या कोई भी कुकिंग में आप गर्म पानी डालो तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहता है। टेम्परेचर जैसे ठंडा पानी से लोअर हो जाता है, गर्म पानी से ऐसे नहीं होता। अभी मैंने डाल दिया हरे मटर, इधर आप फूल गोभी भी डाल सकते हो, और हरे मटर नहीं है सिर्फ आलू के साथ भी बना सकते हो। अभी मैं डाल दूंगी इसमें गर्म पानी, जैसे 1 कप चावल 1 कप दाल तो 4 कप होना चाहिए, मैंने 5 कप डाला क्योंकि आलू मटर ये भी बॉयल हो गए इसीलिए। तो गर्म पानी डाल के अच्छा करके मिक्स करके आधा घंटा लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है।
और बीच बीच में आपका लैडल या स्पैटुला हिलाते रहना है कि नीचे ना लग जाए। आधा घंटा बाद आप देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी हुआ। तो मैंने अभी थोड़ा चीनी डाल दिया, ये टोटली ऑप्शनल है। और फिर मैं डालूंगी घी लास्ट पे। आप घी डालोगे और मिक्स कर लोगे तो बहुत अच्छा होता है। ये देसी घी, शुद्ध देसी घी है। तो घी डाल दिया मैंने। घी डाल के फिर मैं इंडियन भाजा मसाला जो है वो मैं डाल दूंगी। ये भाजा मसाले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। बहुत ही अच्छा होते हैं खाने में ये खिचड़ी। दिखने में थोड़ा सादा सादा फीका फीका, लेकिन खाने में बहुत अच्छा होता है। दुर्गा पूजा के 15 दिन बाद जो कोजागुरी पूरणमासी आता है, उस कोजागुरी पूर्णिमा के दिन बंगालीज का लक्ष्मी पूजा होता है, इसमें भी आप बना सकते हो। काली माता की पूजा आता है अमावस पे उसमें, और फेब्रुअरी में बसंत पंचमी सरस्वती माता के पूजा आते हैं उसमें भी आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा है। अभी ढक के मैं रख दूंगी। 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम देके मैं सर्व कर दूंगी। इधर मैं 5 टाइप का भाजा बना रही हूँ। भाजा मीन्स फ्राई, बंगाली में भाजा बोलते हैं। नारियल का, पीनट्स का, आलू का, और बंगाली में एक साग होता है कोलमी साग बोलते हैं, वो इंग्लिश पे वाटर क्रेस्ट बोलते हैं, CREST वाटर क्रेस्ट। ये मैंने छोटा छोटा करके काट लिया। मुझे इधर ये साग चाइनीज़ दुकान से मिला, तो मुझे इंग्लिश नाम मालूम था, तो मैंने देखा अरे ये तो बंगाली का कोलमी साग बोलते हैं। छोटा छोटा जो तालाब होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उसके सामने ये उगते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये भी मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा नमक दे के, और पापड़। तो 5 टाइप के भाजा फ्राई हुआ, खिचड़ी, उसके साथ वो लाबड़ा का सब्जी, लाबड़ा तौड़करी, चटनी और चावल का खीर। तो आपका प्लेटर कंप्लीट हो गया, दुर्गा पूजा की भोग वाली थाली। मुझे कमेंट करके लिखना कैसे लगा, और आपके मम्मी के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ, जो भी घर घर में बड़ी है, ज़रूर शेयर करना ये रेसिपी। और पूजा के एक दिन बना के खाना। बहुत सारा बंगाली घरों में दुर्गा पूजा के दिन 5 दिन में 1 या 2 दिन पूरा वेजिटेरियन खाने का रिचुअल है, तो आप ऐसे बना के खा सकते हो। अगर उस दिन आपके घर पे चावल का चीज़ खाया जाता तो ऐसे खिचड़ी और सब्जी बना के ज़रूर खाना। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।